ओ भाई कितना बड़ा है, पास में से भाई नॉर्मल होटलों से बड़ा है ये तो लग रहा है। तो भाई हम लॉस एंजलिस से जाने वाले थे स्लैब सिटी, और वो थोड़ा प्लान कैंसिल हो गया। अब हम जा रहे हैं लॉस वेगस। पर भाई हमारी गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, एकदम से गर्म हो गई, जो टेम्परेचर की सुई होती है वो काम करना बंद कर दिया। फिर वो जो कूलेंट का हम खोलते हैं ना, वो खोला ना पूरा फुहारा निकला और ये उसमें से ही आके यहाँ पे हमारा दिमाग ख़राब हो गया भाई। हाईवे के बीचों बीच हो गया, वेगस यहाँ से अभी भी 1 घंटे की दूरी पर है। तो हम यहाँ पर आखिरी पेट्रोल पम्प है ये कैलिफोर्निया में, तो यहाँ से भरवा लेते हैं कहीं पेट्रोल भी ना खत्म हो जाए। डीजल मतलब इतना $60 का भरवाना पड़ रहा है हमको, देख लो $30 का भरवा लिया, अब अगला डीजल आ जाएगा क्या? अंदर जाके इसको बोलो कि 8 नंबर पे पेट्रोल। तो भाई आज की किस्मत इतनी खराब हो रखी है, यहाँ पे कार्ड भी नहीं चला, तो अंदर में दे के आया हूँ $30 और अब भर सकते हैं हम $30 का यहाँ पे। तो पंप नंबर 8, हाँ ठीक है भाई। भाई ये हम कर गए नेवाड़ा एंटर, और आते ही देख लो यहाँ पे ये कसिनो ही कसिनो, देखो वो रिसोर्ट कसिनो नाम है उसका, कसिनो परली बार कसिनो था। और अब यहाँ पे हम रुके हैं मैकडोनल्ड्स खाने, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, स्टारबक्स तो नहीं खाएंगे भाई। बफलो, आपका बफलो का गेम देखो कितना बड़ा लगा हुआ है, जिसमें आप $2,500 जीते थे। हाँ बहुत ही बड़ा लगा हुआ है, अभी तो मेरा गाड़ी पे जा रखा है ध्यान। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ लास वेगस में, पता नहीं इस वीडियो में क्या दिखाऊंगा, पर अभी मैं आया हूँ अपना आईफोन लेने। आईफोन की जब मैंने वीडियो डाली थी, लोग कह रहे थे कि भाई संटी भाई ने खरीदा है, संटी भाई ने, हाँ भाई मैंने बता तो दिया था, कोई आईफोन ना मेरे लिए कोई शो ऑफ वाली चीज़ रही नहीं। मेरे लिए शो ऑफ वाली चीज़ है कि मैं 110 से ज़्यादा कंट्री घूम चुका हूँ, ये मैं शो ऑफ करता हूँ। ये आईफोन वाईफोन ना बच्चे छपरिए शो ऑफ करते, आईफोन से ना मेरा काम है आईफोन से रिकॉर्ड करना, वरना मैं कभी खरीदूँ भी ना इस मतलब बेकार फ़ोन को, मैं तो ये मानूंगा बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, पर कैमरा बहुत अच्छा है। तो मैं अभी हूँ सीजर्स पैलेस में, ये एक मतलब यहाँ पे कसिनो है, होटल एंड कसिनो लास वेगस में। इसके अंदर कहीं पे ना एप्पल का शोरूम है, ये देखो इन्होंने ऊपर कैसा बना रखा है, मतलब जैसे कि आसमान, ऊपर आसमान नहीं है, टीवी लगा रखा है ऊपर। तो यहीं कहीं एप्पल का शोरूम है जहाँ से मैंने अपना आईफोन बुक करा रखा है। तो लोग ना ऐसे सोचते हैं कि मैंने बाइंग आईफोन लिख दिया तो उसका मतलब वो हो गया कि मैंने खरीद लिया, और मैंने जब वीडियो में खुद बता दिया कि मैंने नहीं खरीदा तो ऐसे अरे भाई तूने कुछ नहीं खरीदा ये वो। अरे भाई ये छपरी वाली चीज़ों से ना मेरे को शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ हो चुकी है अभी ये, मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुका हूँ, मेरा कोई मतलब भी नहीं है आईफोनों से, बस वो है कि कैमरा अच्छा आ जाता है और नया फ़ोन मिल जाएगा तो वारंटी मिल जाएगी। वो रहा एप्पल का शोरूम मिल गया, तो बस मैं इसलिए लेता हूँ वो रहा, बस इसको अनलॉक मतलब ये खोल के देखूँगा मैं, बस स्क्रीन ना टूटी और तो कोई मेरे को दिक्कत रहती नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं। मैंने प्रो लिया है, प्रो मैक्स नहीं लिया, प्रो 256 लिया है मैंने, बस स्क्रीन ना टूटी हो और सही है तो सही है, ठीक है भाई चलते हैं इसको लेके। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। अभी हम हैं वेगस में ही, और वेगस के आसपास 3-4 जगह हमको विजिट करनी है, बल्कि शायद अगली 4 वीडियो वेगस के आसपास वाली जगह की होगी। हम जाएंगे एरिया 51, हम जाएंगे डेथ वैली, हम जाएंगे शायद स्लैब सिटी, और एक रेस ट्रैक पे गाड़ी चलाएंगे। तो ये सब हमको करना है वेगस में। तो अभी हम आ गए सुबह सुबह खाना खाने चिपोटले, और फिर खा के चलते हैं जिम, और फिर चलेंगे अपना टूर करने। आज हमें लास वेगस से निकले थे सुबह सुबह, और हम आज जा रहे हैं डेथ वैली की तरफ। जी हाँ, ये बड़ा फेमस है डेथ वैली। डेथ वैली क्या है, उसको डेथ वैली इसलिए कहते हैं, वैसे तो वो नेशनल पार्क है, डेथ वैली नेशनल पार्क नाम से, US में काफ़ी सारे नेशनल पार्क जैसे इंडिया में है तो वो तो वैसे नेशनल पार्क है, पर डेथ वैली उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे दुनिया का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर शायद रिकॉर्ड किया था, जो मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था 56.7 डिग्री सेल्सियस का। पर आजकल कहीं और भी रिकॉर्ड हो रहा है, इथोपिया में भी हो रहा है, सारा डेजर्ट में भी हो रहा है, पर USA का लोएस्ट पॉइंट भी डेथ वैली में है जो कि 86 मीटर नीचे है, और सबसे हाइएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया होगा मतलब नॉर्थ अमेरिका में मान लेते हैं 57 डिग्री, वो डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी हम आ गए वेगस से लगभग ये मान लो 70 माइल दूर, और ये छोटे वाला हाईवे अब ले लिया हमने, ये डेथ वैली नेशनल पार्क के अंदर तक जाता है। और डेथ वैली नेशनल पार्क की कोई फीस वगैरह भी है ना, कितनी है पता नहीं, मैं तो 3 साल पहले गया था तो शायद $30 या $25 थी, याद नहीं आ रहा मेरे को, श्योर नहीं।
पहले ना मेरे को लगता था जो डेथ वैली है ना वो है वो ग्रैंड कैनियन को डेथ वैली कह देते, मेरे को ऐसा लगता था, पर नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही अलग है डेथ वैली। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। डेथ वैली नेशनल पार्क के अंदर ना खुद 3-4 जगह हैं विजिट करने वाली, जहाँ पे टूरिस्ट को विजिट करवाते हैं। और ऐसा नहीं यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते कि डेथ वैली, यहाँ पे बहुत सारे टूर्स भी आते हैं, आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी है तो आप खुद भी आ सकते हो। पर रात को कैंपिंग करना यहाँ पे मेरे को लगता है अलाउड नहीं होगा नेशनल पार्क के अंदर, क्योंकि गर्मी की वजह से भी और सर्दी की वजह से भी जो भी है वो कैंपिंग अलाउड नहीं करते हैं। तो हम शाम को ही वापस आ जाएंगे आज। ये आ गए हम कैलिफोर्निया और नेवाडा के बॉर्डर पे। तो नेवाडा के बॉर्डर पे हैं तो हम भाई ये देखो आते ही यहाँ पे बॉर्डर पे बिल्कुल डेथ वैली के अंदर भी इन लोगों ने कैसीनोज बना रखे हैं, क्योंकि पता है लोगों को आएंगे, ये बॉर्डर टाउन है देखना भाई, बंजर अबैंडन पड़ी है पूरी टाउन, पर यहाँ कैसीनो खोल दिया इन्होंने। देखो वो भी पूरा पेट्रोल पंप ऐसा लग रहा है जैसे अबैंडन हो। ये आ गया डेथ वैली नेशनल पार्क का साइन, हमको लेनी है इस वाली रोड पे भाई। ये डेथ वैली जंक्शन करके एक छोटा सा गांव आया है, ये हम एंटर कर गए हैं अब डेथ वैली नेशनल पार्क की रोड पे। अब देखते हैं नेशनल पार्क कहीं से तो एंट्रेंस भी शुरू होगी, वो भी आएगा, पर देख लो भाई अब पूरी लंबी रोड कोई नहीं है और चारों तरफ बस पहाड़। वंडर भी चल रहा है, ये देख लो भाई क्या चलने लग रहा है यार, ये तो हद हो गई है। अभी देख लो डेथ वैली वाले रास्ते पे ही आए हैं तो ये बाउंडर ही दिख गया हमें भाई। ये आ गया डेथ वैली नेशनल पार्क का साइन, यहाँ पे सब लोग रुक के फोटो खिंचवा रहे हैं। देखो डेथ वैली नेशनल पार्क टूर भी आ रखे हैं। चलो हम तो यहाँ फोटो नहीं खिंचवानी, आगे चलते हैं, आगे चल के खिंचवाएंगे, इतनी भीड़ में बहुत टाइम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये कर लिया हमने डेथ वैली नेशनल पार्क में एंट्री, अब हमको यहाँ पे इसके लेनी है टिकट। यहाँ कोई भी बंदा नहीं बिठा रखा इन्होंने, यहाँ सिर्फ बूथ लगा रखे हैं ये भाई। व्हीकल की एंट्रेंस है अच्छा, 7 days व्हीकल एंट्रेंस फीस $30 है, 30 मतलब 7 दिनों के लिए वैलिड रहेगा वो। मोटरसाइकिल कितनी है, 25 है, $5 का फ़र्क है। यहाँ देखो ये पूरा डेथ वैली नेशनल पार्क का मैप बना रखा है, हमने शुरू किया था वेगस से, कहीं यहाँ से शुरू किया था हमने, फिर हम ऐसे आए, अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम एंट्रेंस पे। ये पूरा डेथ वैली नेशनल पार्क है, बहुत ही बड़ा है भाई, देखो हम तो अभी यहाँ पे हैं। तो 2-4 चीज़ें देखेंगे और वापस से फिर हम वेगस चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि भाई सेल फोन टावर्स पे रिलाय मत करना, यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, GPS हमेशा सही नहीं होगा यहाँ पे, आधा टंकी अपनी कार की लेके आना। तो चलो चलते हैं देखते हैं। भाई यहाँ देखो डीजल का कितना है, $8-9 मान लो लगभग, सबसे नीचे वाला है डीजल। ओ भाई ये पहली एक टाउन सी आई है फर्नेंस क्रीक, यहाँ पे सिर्फ विजिटर सेंटर है और एक होटल है, और यहाँ पे जो बंदा भरवान लग रहा है पूरा अमीर है वो बंदा, है ना, $9 के हिसाब से भरवा रहा है वो। तो अभी हम आ गए फर्नेंस क्रीक विजिटर सेंटर, आज का टेम्परेचर तो काफ़ी कम है, 33 degrees है। ये विजिटर सेंटर के अंदर पूरा डेथ वैली का मैप बना रखा है, ये पूरी की पूरी डेथ वैली जो कि कैलिफोर्निया में है। अभी हमें फर्नेंस क्रीक, ये जो आपने पीछे नाम पढ़ा होगा विजिटर सेंटर का, यहाँ पे खड़े हैं अभी हम, बीचों बीच ही हैं लगभग, और हम एंटर करे होंगे शायद यहीं कहीं कोई बॉर्डर होगा। तो पूरा ऐसा है भाई पहाड़ी एरिया, इसमें से किसी पे भी क्लिक करोगे ना तो ये देखो लाल लाइट जल गई वहाँ पे, मतलब वो वाली वो हिल है, चारकोल हिल, गोल्डन कैनियन। तो हम आ गए अपनी पहली लोकेशन पे जिसका नाम है मेस्क्विटे फ्लैट सैंड ड्यून्स। ओहो यहाँ पे सारा ऐसा है दुबई के रेगिस्तान जैसा, छोटा ही एरिया है बिल्कुल ही, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे जाके रेगिस्तान आ जाता है। यहाँ पे रोकने वोकने का सब बना रखा है डेथ वैली के अंदर ही। ओ भाई इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ना भाई रैटल स्नेक से बच के रहना, कहीं पे भी ऐसी जगह पैर मत रखना क्योंकि यहाँ रैटल स्नेक बहुत सारे हैं। सैंड ट्रैप बट सैंड इज,
भाई ये देखो रेगिस्तान में आ गए हम, यहाँ पे लोग अपने जिसके चप्पल जूते छोड़ के चला गया बंदा ये। ये पेड़ देखो इसमें से निकलने लग रहा है, काफी सारे लोग आ रखे हैं घूमने यहाँ पे। अभी तो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है तो इतना मतलब कुछ गर्मी सी लग नहीं रही है, पर आज भी 33 डिग्री हो रखा है। पर अगर आप आओगे भाई बिल्कुल मई जून जुलाई वाले महीने में तो 50 से ऊपर तो आराम से जाता होगा, तभी इतने टूरिस्ट भी नहीं आते होंगे। ये टूरिस्ट भी अभी इसलिए आ रखे हैं क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो रखा है। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था वो था 1913 में रिकॉर्ड किया था 56.7 डिग्री सेल्सियस। अब तो मैंने सुना यार कुवैत वगैरह में भी मतलब चला जाता है इतना 53-54 तो बड़ा इजीली, पर पता नहीं अभी भी विकिपीडिया पे लिखा हुआ हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज इन डेथ वैली कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या पता हो। पर कुवैत वगैरह में क्या है कि भाई सिटी में जा रहा है आप एकदम से जाके एसी में घुस सकते हो, पर यहाँ पे कहीं पे भी आप एसी में नहीं घुस सकते। मान लो गाड़ी ख़राब हो गई तो यहीं पे आप रह जाओगे, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे गाड़ी पार्क का है। अगर गर्मियों में आते हो तो गाड़ी अभी नहीं मिलेंगी। आगे हम दूसरी लोकेशन पे, यहाँ पे सॉल्ट फ्लैट्स, तो यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हो सॉल्ट फ्लैट्स का, और आगे जो है वो पानी मतलब बारिश भी हो रखी है तो रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट देगा जो मैं बोलीविया में देखना रह गया था मेरा। तो यहाँ लिखा है बैड वाटर बेसिन 282 फुट बिलो सी लेवल, नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये 282 फुट, हम सी लेवल से नीचे आ चुके हैं, ऐसे इसलिए सॉल्ट फ्लैट्स बन जाते हैं, आपने देखा ही होगा मेरी बोलीविया वाली वीडियो में। अब जब इस पर बारिश हो जाती है ना तो एक ऐसे मतलब परत सी बना देती है पानी की जिससे आपको लगता है मिरर है वो। बोलीविया जब मैं गया था तो बिल्कुल नहीं था, अब आगे वहाँ तक जाना पड़ेगा हमको मिरर इफेक्ट देखने के लिए, काफ़ी दूर है क्योंकि वो। अभी यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्शन आ रही है ना पानी में, ये देखने आते हैं ज़्यादातर लोग कि पहाड़ों की रिफ्लेक्शन पूरे पानी में। यहाँ खड़ा हूँ भाई, अक्टूबर एंड में तो बिल्कुल ऐसे कह देते हैं कि भाई सर्दियाँ आ गई। अभी न्यूयॉर्क वगैरह घूम रहे थे ना तो न्यूयॉर्क में इतनी सर्दी थी, सैन फ्रांसिस्को में ठंड थी, पर यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी है भाई, भी 35 डिग्री तो वैसे हो रखा है, और एकदम से धूप सीधी मतलब आके जहाँ भी लग रही है ना एकदम से तुरंत गर्म हो जा रहा हूँ। तो यार गर्मियों में तो यहाँ पे आने का कोई गलती कर मत देना कि गर्मियों में आ रहे हो, 50 डिग्री से ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक बात है ना कि ये शहर नहीं है, अगर आप यहाँ पे फंस गए ना तो आपको बचाने वाले वैसे मिल जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे रात को बचाने वाले, पर कितनी देरी बचोगे वो बात है। यहाँ पे देखो कितना सारा नमक इस प्लेटफॉर्म पे भी पड़ा हुआ है, पहले मैं सोच रहा था नमक आ कैसे गया यहाँ पे, फिर मैं सोचा जूतों में लग के आया होगा, पर इतना सारा कैसे, तो मेरी चप्पलों का देखो क्या हाल हुआ है, वो यहाँ झड़ गया मेरे को लग रहा है आधे से ज़्यादा, पूरी भर गई थी मेरे पैर तक पे लग गया चल रहा था जब। तो भाई ये देख लो ये है डेथ वैली, चारों तरफ कुछ भी नहीं है बस खाली पहाड़, पूरा रेगिस्तान है एक तरह से मान लो, ऐसे ही नज़ारे हैं बस। भाई वेगस आ गए, और वेगस तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा रखा है पिछले साल जब आया था। ये देखो भाई स्फीयर, ये नई चीज खुली है और ये देखने चलते हैं अभी कैसा है। भाई ये आ गया स्फीयर, तो ये है स्फीयर, और भाई अभी देख लो दिन के टाइम में भी इसमें एलईडी जो लगी हुई है ना इतनी स्ट्रॉन्ग है आराम। ओ भाई कितना बड़ा है, पास में से भाई नॉर्मल होटलों से बड़ा है ये तो लग रहा है। ये हम कहीं पीछे लगा के आ गए गाड़ी पार्क, और ये आ गए स्फीयर हमारे सामने। भाई उन बिल्डिंग से कंपेयर करो आप कितना बड़ा है ये, खैर वो बिल्डिंग थोड़ी दूर है इसलिए थोड़ी ज़्यादा छोटी लग रही है, पर बिल्डिंग से मेरे को लग रहा है काफ़ी बड़ा है ये। 2.3 बिलियन डॉलर की कॉस्ट लगा के ये बना है, इसकी कुछ एंट्री वेंट्री टिकट भी होगी उसी से रिकवर करेंगे, और मेरे को लग रहा है थोड़े दिनों बाद जब इसका क्रेज़ कम हो जाएगा ना तो इसके बाहर प्रमोशन ही करा करेंगे, जैसे फिल्म की प्रमोशन हो गई, किसी को अपनी ब्रांड प्रमोशन करानी है तो उनसे पैसे अर्न करेंगे मेरे को लग रहा है। इसके देखो हम इतने पास आ चुके हैं, अब ना इसमें ये दिख रहा है कि भाई इन्होंने ना लाइटें लगा रखी हैं, ये बहुत गैप गैप में है, बाहर तो देखो ऐसा है, अंदर मैंने सुना है कि भाई पूरे के पूरे टीवी लगा रखे हैं,
पर अब अंदर कहाँ से जाना है पता नहीं हमको, सारे गेट बंद ही है, कहीं और से देखते हैं अंदर जाने का। पर बाहर इन्होंने ऐसे टीवी नहीं है, दूर से ऐसा लगता है कि भाई टीवी चल रहा है पर टीवी नहीं है। देखो ये छोटे छोटे लाइट्स ही है भाई, मेरे को लग रहा है सिर्फ ना इवेंट्स वगैरह के लिए खुलता है और अभी बंद है, कोई एंट्री टिकट वगैरह नहीं इसके अंदर जाने की, कोई कुछ नहीं है, बंद ही है। शायद जो ओपनिंग सेरेमनी थी या फिर इवेंट था, अभी यहाँ पे कॉन्सर्ट भी हुआ था कुछ WWYD करके, When We Were Young, WWY करके कोई कॉन्सर्ट था, When We Were Young कॉन्सर्ट का नाम था। उस कॉन्सर्ट के टाइम में शायद खुला था ये, तब तो हम डेथ वैली गए हुए थे घूमने जब कॉन्सर्ट चल रहा था, फिर Area 51 चले गए थे। चलो कोई नहीं, बाहर से देख लिया, अंदर से मतलब अलग ही फील आता है कि इतने सारे टीवी लगे हुए हैं, पर चलो कभी और आएंगे वेगस तब देख लेंगे। तो जैसे दुबई कर रहा है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, दुबई के पास सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जा रहा है और लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, और उस चीज़ में वो कामयाब हो रहा है दुबई, नो डाउट। लोग कहते सिर्फ रेगिस्तान है, ये है वो है, कुछ नहीं दुबई में, भाई वो बुलाने के लिए कामयाब हो रहा है टूरिस्ट को, ठीक है। सेम गोज विद वेगस। वेगस के पास क्या है आपको दिखाऊं, बिल्कुल दुबई लगेगा आपको ये। वेगस का पूरा नेवाडा यही है, जहाँ पक्का है, जहाँ ये रेगिस्तान की मिट्टी है। तो इनके पास भी कुछ नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है, तो ये ऐसी चीज़ें बना रहे हैं ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट होएं और यहाँ पे आके पैसा खर्चा करें। वेगस भी इस चीज़ में कामयाब हो रहा है, मेरे को तो लग रहा है भाई पूरे अमेरिका की सबसे अमीर सिटी होगी यहाँ पे, मतलब अगर कैसीनोज वगैरह की इनकम काउंट कर लें, हालांकि वो इंडिविजुअल इनकम है, पर जितने टूरिस्ट यहाँ पे आते होंगे वेगस में, दो ही तीन सिटी हो रहा है अमेरिका में जहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो दोनों सिटीज़ कामयाब हो रही हैं। इनके पास नुकसान था सब कुछ कि भाई पूरा रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है, पर इन्होंने ऐसा टूरिज्म बनाया कि भाई देख लो क्या है दुबई और वेगस का। भाई ये नहीं पता था यार मेरे को, स्फीयर एट द वेनेशियन रिजॉर्ट, वेनेशियन जो होटल है मेरे को लग रहा है उनका है ये जिन्होंने खोला है, ये नया है यार, ये मेरे को लग रहा था किसी इंडिविजुअल बंदे ने बनाया, पर नहीं वेनेशियन होटल ने बनाया ये। तो आज भाई मेरे को लेके आए हैं कोई अलग रेस्टोरेंट में, इसका नाम है पांडा एक्सप्रेस। ये कह रहे हैं चाइनीज रेस्टोरेंट लग रहा है ये, कह रहे खाना बहुत अच्छा है, मैंने कहा आज अलग ट्राई करते हैं। भाई अब दिखाते हैं पांडा एक्सप्रेस वाले कैसा खाना देते हैं। क्या मंगाया भाई? भाई जो हमेशा मंगाता हूँ। क्या? ओ ये क्या मस्त था, ये क्या है? पनीर चिकन। चिकन है इसमें? हाँ। अच्छा ओहो, इसके अंदर चिकन है हनी वाला, और यहाँ पर ओ है। कितने का है टोटल ये? मतलब डिस्काउंट लगा के कुछ $10 के करीब पड़ा है। एक चम्मच ले आओगे भाई?